And now look at this before and after of making highlights. So in this video, I'm gonna create a Guardian of the Galaxy Volume 3 poster. हाँ बस इतना ही intro. Video में आगे बढ़ते हैं. तो जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि पोस्टर बनाने से पहले सबसे पहले उस पोस्टर का कॉन्सेप्ट बनाना जरूरी है. एंड हाँ, मेरे पोस्टर का कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताने वाला हूँ फिर से. मैं इसको बिल्कुल सिंपल रखना चाहता था, सो इसलिए ओरिजिनल पोस्टर में से इंस्पिरेशन लेते हुए थोड़ा सिंपल वाला लुक रखने की कोशिश की है. इसके लिए मेरा आइडिया कुछ ऐसा था. सो वी हैव अ प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड जिसके ऊपर आई एम गोना यूज दिस क्रंच शेप. देन आई एम गोना ड्रॉ माय 6 मेन कैरेक्टर्स. सो यार, दिस इज अ कॉन्सेप्ट. सो नाउ लेट्स गेट इनटू फोटोशॉप एंड स्टार्ट मेकिंग द पोस्टर. सी, मैंने यहाँ पर अपने सारे कैरेक्टर पहले से ड्रॉप करके रखे हैं. नाउ मैं यहाँ पर ये वाली शेप इंपोर्ट कर रहा हूँ जिसको कि मैं यूज करने वाला हूँ हमारे स्पेस के बैकग्राउंड के लिए. एंड नाउ यहाँ पर मैं ये स्पेस का बैकग्राउंड यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ. सो अभी इस बैकग्राउंड को और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए और हमारे कैरेक्टर के साथ ब्लेंड करने के लिए मैं इसमें थोड़े इफेक्ट यूज कर रहा हूँ. एंड यहाँ पर थोड़ा पीछे ग्लो भी एड कर रहा हूँ ताकि पीछे एक मेन लाइट हो जाए जिससे कि हमारे कैरेक्टर्स के ऊपर हाइलाइट्स भी बने. देन नाउ इस टाइम फॉर हाइलाइट्स. सो नाउ एज ऑलवेज इन सबके हाइलाइट्स में ह्यूमन सिचुएशन लेयर से बना रहा हूँ एज यू कैन सी. एंड फर्स्ट यहाँ पर मैं थोड़ा बेसिक से ऊपर से हाइलाइट्स पेंट कर रहा हूँ. एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पर मैनुअली हाइलाइट्स बना रहा हूँ ताकि वो हमारे सीन के साथ और भी ज्यादा मैच करें. And now look at this before and after of making highlights. Now सारे कैरेक्टर पर हाइलाइट्स एंड और डेप देने के बाद मैं यहाँ पर एक लेंस फ्लेयर यूज कर रहा हूँ. बिकॉज ऐसे जगह पर लेंस फ्लेयर यूज करने से क्या होता है कि जो हमारी इमेज है वो हमारी इमेज ओवरऑली बहुत अच्छी लगती है. सो हमारे ये वाले जो तीन मेन कैरेक्टर्स हैं इनको थोड़ा सीन के साथ ब्लेंड करने के लिए मैं इनमें थोड़ा ब्लू कलर भी ऐड कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग पहले देख सकते हो कि इनमें थोड़ा ज्यादा ऑरेंज टिंट थी. इनको मैं थोड़ा सा और सीन में मैच करने के लिए इनकी रिफ्लेक्शन बना रहा हूँ जिसके लिए मैं इनको जस्ट कॉपी कर रहा हूँ एंड नीचे से ब्लेंड कर रहा हूँ. एंड उसको थोड़ा और भी अच्छा बनाने के लिए मैं इनकी फुट पर थोड़ी सी शेडोज भी बना रहा हूँ ताकि और भी अच्छी लगे. सो नेक्स्ट यहाँ पर मैं इन कैरेक्टर्स पर भी थोड़ी ऊपर से हाइलाइट्स बना रहा हूँ ताकि जो पीछे से लाइट आ रही है वो भी थोड़ी हमारे इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर दिख सके. जिसके लिए मैं अगेन ह्यूमन सैचुरेशन लेयर यूज कर रहा हूँ. एंड आफ्टर सम स्मॉल एडजस्टमेंट एंड कैमरा रॉ फिल्टर हियर गोज द फाइनल रिजल्ट. नाउ हाउ वाज द पोस्टर तुम लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो. एंड एज ऑलवेज अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो एंड नाउ सब्सक्राइब करो. एंड नहीं, मरने मत जाओ, मत मरो. और जिन लोगों को अभी तक नहीं समझ में आया कि मैंने ये मत मरो क्यों बोला तो तुम लोग मेरी ये पुरानी वीडियो देख सकते हो जिसमें कि तुमको सब समझ में आ जाएगा.